सो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। जैसा कि आपको पता है कि ये जो चैनल है ये एक पार्ट है हमारे जेआर ट्यूटोरियल चैनल का, हमारे मेन चैनल का। सही है, इस चैनल के ऊपर हम लोग ने एक नया बैच शुरू किया हुआ है हमारे 11th और 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए। सही है, मैं वापस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम लोग ने एक बार हमारा ऑलरेडी एक बैच कंप्लीट कर दिया था हमारे जेआर ट्यूटोरियल्स पर, जो हमारा मेन चैनल है। तो जिस बच्चों ने नहीं देखा होगा, अगर आपको आगे की वीडियोस चाहिए तो आप वहां पे भी जाके हमारे लेक्चर वीडियोस देख सकते हो और इस चैनल पे हमारे नए नए वीडियोस आते रहेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि 12th स्टैंडर्ड की जो बायोलॉजी है वो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ और हम लोग ने 5 लेसन कंप्लीट कर रखे हैं। सही है, आज से इस लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा लेसन नंबर 6, जिसका नाम क्या है, प्लांट वाटर रिलेशन। ठीक है, जिसमें हम लोग प्लांट और वाटर के बीच में क्या रिलेशन है, क्या रिलेशनशिप है, उसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। चलेगा, स्टार्ट करें। ठीक है, सो बहुत सारी चीजें आज हम लोग सीखने वाले हैं, तो लेक्चर के एंड तक जुड़े रहना, काफी सारी नई नई चीजें आज आप लोगों को सीखने के लिए मिलेगी। सही है, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर आप लोग ने अभी तक हमारा जेआर ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर से कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। प्ले स्टोर के ऊपर जाना, आपको मिल जाएगी वहां पे। ठीक है, उसे डाउनलोड करके वहां पे लॉगिन कर लेना, वहां पे आप लोग को नोट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, तो डाउनलोड जरूर से कर लेना। यदि आप लोगों को कोई डाउट होता है, यदि आप मुझसे बात करना चाहते हो, मुझसे जुड़ना चाहते हो, कोई डाउट होता है या फिर कोई फीडबैक देना चाहते हो, तो आप लोग आ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है। ठीक है, आप वहां पे आके मुझे मैसेज कर सकते हो, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स वहां पे मुझे भेज सकते हैं। क्लियर है, चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखो, लेक्चर स्टार्ट करते ही सबसे पहली बातें हम लोगों को क्या समझनी है, सबसे पहले हम लोगों को जानना है वाटर के बारे में। देखो, वाटर बहुत इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है हमारे लाइफ का, हम लोग ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि वाटर में ही लाइफ ओरिजिनेट हुई थी। हम लोग ने एवोल्यूशन में पढ़ा है ना, अभी लास्ट वाले लेसन में पढ़ा था कि इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे वाटर से ही इवॉल्व हुए हैं, तो वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम लोगों को पता है कि एक एनिमल के, या फिर अगर मैं बात करूं इंसान की बॉडी में, 70% वेट बाय वेट क्या होता है, वाटर होता है। वहीं अगर मैं प्लांट की बात करूं ना, तो प्लांट के अंदर बच्चों 90% वाटर होता है, उनके सेल्स के अंदर 90% जो वेट होता है वो किसका होता है, वाटर का ही होता है। सो वाटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यही मेरी पहली लाइन भी है, पहली लाइन मैंने क्या लिखी है, दैट वाटर, यहां पे देखो, वाटर इज द मेन कंपोनेंट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिज्म है उन सबका सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है वो क्या है, वाटर है। दैट्स व्हाई वाटर इज कंसिडर्ड एज एलिक्सियर ऑफ लाइफ। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक बार ये एग्जाम में आ गया था, सोच रहे हो, विच इज व्हाट इज कंसिडर एज एलिक्सियर ऑफ लाइफ, एमसीक्यू पूछ दिया था, इतना सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में। सो कौन एलिक्सियर ऑफ लाइफ है बच्चों, वाटर। एलिक्सियर ऑफ लाइफ मतलब क्या, जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना जल ही जीवन है, वैसे ही इंग्लिश में दैट इज एलिक्सियर ऑफ लाइफ एक प्रोवर्ब है। क्लियर है, उसके बाद वाटर की कुछ प्रॉपर्टीज दी हुई है बच्चों, वाटर हैज वेरी हाई स्पेसिफिक हीट। ठीक है, अब स्पेसिफिक हीट क्या होता है, जिन बच्चों ने थोड़ा थोड़ा केमिस्ट्री पढ़ा उनको पता होगा, वाटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो एक ऑक्सीजन होता है यहाँ पे और इस ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन यहाँ कनेक्ट होता है और एक हाइड्रोजन यहाँ कनेक्ट होता है, तो H2O ऐसा मॉलिक्यूल होता है वो। सही है, अब H2O मॉलिक्यूल बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल है, H2O इज वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल। तो अगर आपको इस मॉलिक्यूल को तोड़ना है तो इसको, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बीच के जो बॉन्ड है ये ब्रेक करने पड़ेंगे। सही है, अगर मुझे इस मॉलिक्यूल को तोड़ना है तो इसका मतलब मुझे इसके बीच के बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे ना, तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए बच्चों बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी डालनी पड़ती है। क्यों, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल है। अगर आप किसी भी स्टेबल मॉलिक्यूल को तोड़ोगे तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। सही है, जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई बंदा एकदम स्टेबल आराम से बैठा है, अगर आपको उसको परेशान करना है तो आपको ज्यादा एनर्जी डालनी पड़ती है। अगर कोई वैसे ही गुस्सा है तो आप उसको थोड़ा सा ही छेड़ दो तो वो और गुस्सा हो जाएगा। सही है, तो कोई स्टेबल ऑर्गेनिज्म को या फिर स्टेबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी लगती है। सही है, दैट्स व्हाई यहां पे पहला स्टेटमेंट क्या है, वाटर हैज वेरी हाई स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट मतलब क्या, वाटर की हीट बहुत ज्यादा है, उसको तोड़ने के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा लगती है। सही है, उसके बाद It also has very high heat of vaporization. ठीक है, vaporization मतलब क्या, अगर आपको water को boil करना है, vapor बनाना है, तो उसके लिए भी आपको बहुत ज्यादा amount of heat देनी पड़ेगी। याद है ना, 100 degree पे boil होता है water। सही है, फिर अगर मैं बात करूं, इट also has very high heat of fusion. ठीक है, heat of fusion मतलब क्या, अगर आपको वही water molecule को छोटे छोटे parts में तोड़ना है तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा आपको heat देनी पड़ेगी, तभी आपका water क्या होगा, दो अलग अलग part में टूटेगा। समझ रहे हो, तो मतलब ये हीट बहुत ज्यादा सस्टेन कर सकता है, झेल सकता है। दैट्स व्हाई वाटर इज कंसीडर एज थर्मल बफर बच्चों। ठीक है, वाटर इज कंसीडर एज थर्मल बफर। नाउ व्हाट इज मीन बाय बफर, हम लोग ने बफर सॉल्यूशन के बारे में सुना होगा, जैसे पीएच बफर होता है। ठीक है, तो पीएच बफर को हम लोग क्यों यूज करते हैं, उसको हम लोग किसी भी सॉल्यूशन में डाल देते हैं जिससे उसका पीएच चेंज नहीं होता। सही है, चाहे आप कुछ भी एसिड बेस रिएक्शन करते रहो, लेकिन अगर आप पीएच बफर डाल दोगे, मान लो मैंने 9 पीएच का बफर डाल दिया, तो उसका
पीएच चेंज नहीं होगा, वो पीएच 9 ही रहेगा थ्रू आउट द रिएक्शन, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना हम लोग, वैसा ही ये बच्चों थर्मल बफर है। मतलब अगर मुझे भी किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज नहीं करना, टेम्परेचर उतना ही रखना है, समझ लो, ज्यादा टेम्परेचर वैरी नहीं करवाना, तो मैं उसमें वाटर ऐड कर दूंगा। अगर मैंने वाटर ऐड कर दिया सो ये क्या बन जाएगा, थर्मल बफर बन जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज अ थर्मल बफर। क्लियर है? एक और लाइन दी हुई है, वाटर हैज वेरी गुड अधेसिव एंड कोहेसिव फोर्स। अब ये क्या होता है, ये भी आप लोग ने पढ़ा होगा बचपन में। अगर अगर आप दो सेम मॉलिक्यूल को, ठीक है, अगर आप दो सेम मॉलिक्यूल, मान लो वाटर का एक मॉलिक्यूल रखा है मैंने और वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल है, तो कभी आप लोगों ने ट्राई किया है, अगर दो वाटर के मॉलिक्यूल को अगर आप आपस में थोड़ा सा भी करीब लेके आओ ना, तो वो फटाक से एक दूसरे से चिपक जाते हैं, समझ रहे, फटाक से क्या कर लेते हैं, एक दूसरे से चिपक जाते हैं, एक फोर्स लगाते हैं बच्चों। तो अगर दोनों सेम मॉलिक्यूल में फोर्स लग रही है तो वो कोहेसिव फोर्स है। अगर दोनों वाटर के मॉलिक्यूल है और उनके बीच में फोर्स लग रही है तो वो क्या हो जाएगा, कोहेसिव फोर्स है। या फिर अगर एक वाटर का मॉलिक्यूल गिरा हुआ और आप अपना उंगली उसके पास लेके जाओ, थोड़ा सा दूर लेके जाओगे वो वाटर मॉलिक्यूल आपसे चिपक जाएगा। तो अगर दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लग रहा है, जैसे मेरा एक उंगली है और एक वाटर मॉलिक्यूल है, तो दोनों डिफरेंट है ना, तो अगर दो डिफरेंट चीजों के बीच में अगर फोर्स लग रहा है तो वो अधेसिव फोर्स, और अगर दो सेम चीज के बीच में फोर्स लग रहा है तो वो कोहेसिव फोर्स। क्लियर है? तो वाटर के पास अधेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स भी अच्छा खासा होता है, समझ में आ रही बात, ठीक है। सो इसका अधेसिव फोर्स भी अच्छा है, मतलब दो अलग अगर दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है तो उससे भी वाटर फटाक से जाके चिपक सकता है, और वाटर खुद के मॉलिक्यूल से भी चिपक सकता है, तो इसकी कोहेसिव फोर्स भी बहुत ज्यादा हम लोग को देखने के लिए मिलती है। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? तो आ जाओ, अब ये तो हो गया वाटर की प्रॉपर्टी, ठीक है। अब वाटर प्लांट के अंदर एंटर कैसे करेगा, अगर वाटर को अंदर जाना है प्लांट में, क्योंकि इतना जरूरी है भैया वाटर, तो अगर वाटर को प्लांट के अंदर जाना है तो उसके लिए एक ही रास्ता है, वो है रूट का रास्ता, ठीक है, क्योंकि रूट का ही फंक्शन होता है बच्चों वाटर को एब्जॉर्ब करने का, और साथ ही साथ मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब करता है रूट, सही है। तो प्लांट में कौन सा अगर आपसे पार्ट पूछा जाए जो वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा, तो आपको आंसर क्या देना है, रूट, ठीक है। रूट वो पार्ट है जो कि वाटर को और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। तो देखो सबसे पहली लाइन क्या लिखी है, द मेन ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन, ठीक है, वाटर और मिनरल एब्जॉर्प्शन के लिए जो सबसे मेन ऑर्गन है वो क्या है, रूट है। क्लियर है? समझ में आ गया। इन एपीफाइटिक प्लांट, अच्छा एपीफाइटिक प्लांट में क्या होता है, एक स्पेशल सेल होता है बच्चों जिसको हम लोग बोलते हैं विलामिन। क्या होता है एपीफाइटिक प्लांट, देखो यहां पर बना देता हूं। मान लो ये आपका नॉर्मल सा एक ट्री है, ये आपका एक नॉर्मल सा ट्री है, ठीक है, और इसी ट्री के ऊपर यहां से मान लो एक ब्रांच निकला है, और यहां पे भी ऐसे बहुत सारे पत्ते होंगे। अब क्या होता है, कुछ कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं बच्चों, कुछ कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं ना जो जिनको सनलाइट चाहिए। अब वो इस अगर उनको सनलाइट चाहिए, सारे प्लांट्स को सनलाइट चाहिए, तो वो इसके अंदर तो उग नहीं सकते, तो वो क्या करेंगे पता है, यहां से एक टिश्यू लेंगे, यहां से एक टिश्यू लेंगे और इसको ऊपर चढ़ाएंगे और वो यहां उगेंगे, यहां उगेंगे, मतलब प्लांट पूरा यहां पे है, ठीक है, जो पूरा प्लांट है वो कहां पे है, इस प्लांट के ऊपर उगा हुआ है, लेकिन इसके रूट्स कहां पे है, इसके रूट्स कुछ यहां से कनेक्टेड है, ठीक है, इसके रूट्स कहां से कनेक्टेड है, कुछ यहां से कनेक्टेड है, समझ रहे हो। अब नॉर्मल प्लांट के अंदर क्या होता है कि अगर रूट्स ने वाटर को एब्जॉर्ब किया तो वो वाटर यहां पे भी यूज होगा, 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 सही है, लेकिन इनके अंदर ऐसा नहीं होता। इन प्लांट्स के अंदर जो भी वाटर यहां से एब्जॉर्ब होगा ना, वो डायरेक्टली जाके यहीं पे यूज होने वाला है, समझ रहे हो। तो इन प्लांट्स को बच्चों हम लोग कहते हैं एपीफाइटिक प्लांट। ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एपीफाइटिक प्लांट, जो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो हो रहे हैं, सही है, ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एपीफाइटिक प्लांट। और इनके अंदर वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल प्रेजेंट होता है, बहुत ही स्पेसिफिक सेल प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विलामिन। क्लियर है? समझ में आया विलामिन क्या होता है। विलामिन एक स्पेशल सेल है जो किसके पास प्रेजेंट है, एपीफाइटिक प्लांट में प्रेजेंट है, जिसके वजह से वो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन यहां से ऊपर की तरफ हो सकता है। क्लियर है? समझ रहा है, समझ में आ रही है बात, ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब रूट्स के चार डिफरेंट रीजन है, मैं आप लोगों को डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। यहाँ पे भी है, देखो डायग्राम, रूट के चार डिफरेंट रीजन है। सबसे पहले मैं ऐसा रूट बना लेता हूँ, मान लो ये एक रूट है, ठीक है, ये क्या है, एक रूट है। अब रूट धीरे धीरे ऐसे ग्रो होते जाता है, नीचे की तरफ रूट ग्रो होने लगता है, तो यहाँ पे रूट के निचले साइड में जितने भी सेल्स होंगे ना बच्चों, जितने भी सेल्स होंगे ये कंटिन्यू क्या कर रहे हैं, सेल डिवीजन कर रहे हैं, कंटिन्यू डिवाइड हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये रूट क्या हो रहा है, यहां से बढ़ते जा रहा है, समझ लो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, ये बड़ा सा रूट है, ठीक है। अब रूट के नीचे साइड में जो सेल्स प्रेजेंट है, नीचे लोअर साइड में सेल्स प्रेजेंट है, वो क्या हो रहे हैं, यहां से डेवलप होते जा रहे हैं, तभी ये रूट धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, सही है, क्योंकि ये सेल्स क्या हो रहे हैं, यहां से कंटिन्यू डिवीजन कर रहे हैं। तो जो भी सेल बच्चों कंटिन्यू डिवीजन करके एक नया सेल बनाते हैं ना बच्चों, उन सेल्स को प्लांट्स में हम लोग कहते हैं मेरिस्टमैटिक सेल, ठीक है, या फिर उस पूरे टिश्यू को हम लोग क्या कहते हैं, मेरिस्टमैटिक टिश्यू। क्या बोला, समझा मैंने,
ऐसे टिश्यूज या फिर ऐसे सेल्स जो कंटिन्यू क्या करते हैं, माइटोसिस करते हैं और फटाफट क्या करते हैं, नंबर सेल के नंबर्स बढ़ाने लगते हैं, जिसके वजह से आपका जो रूट है वो बढ़ते लगता है, बढ़ने लगते हैं, धीरे 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 बढ़ने लगता है, समझ रहे हो। तो ऐसे सेल्स को मैंने क्या बोला, दैट इज मेरिस्टमैटिक सेल। सो दीज आर द अब ये जो अब मेरिस्टमैटिक टिश्यूज है प्रेजेंट है, तो जिस एरिया में मेरिस्टमैटिक टिश्यू प्रेजेंट होगा, जिस एरिया में मेरिस्टमैटिक टिश्यू प्रेजेंट होगा उस रीजन को हम लोग कहेंगे मेरिस्टमैटिक रीजन या फिर जोन ऑफ मेरिस्टमैटिक। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, हाँ देखो यहां पे लिखा हुआ है मेरिस्टमैटिक रीजन, क्लियर है। तो कौन सा रीजन हो गया ये, मेरिस्टमैटिक रीजन, क्लियर है। लिख दूं यहां पे, मार्क कर दूं, लिख दो यहां पे, इट इज द मेरिस्टमैटिक रीजन। समझ में आई बात, यहां तक समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया। अब जैसे ही बच्चों जो सेल ना डिवाइड हो गए, ठीक है, एक सेल था वो दो सेल बन गया, अब ये दोनों सेल बच्चों बढ़ने लगेंगे, खुद का शेप क्या करने लगेंगे, बड़ा करने लगेंगे। तो समझ लो इसके ऊपर वाला जो सेल्स थे उनका डिवीजन हो चुका है, ये सेल्स का डिवीजन हो चुका है, बट अब ये सेल्स क्या कर रहे हैं पता है, अब ये सेल्स बड़े हो रहे हैं, अब ये सेल्स अपने साइज को बढ़ा रहे हैं, अब ये सेल्स क्या कर रहे हैं अपने साइज को बढ़ा रहे हैं। ये मेरिस्टमैटिक रीजन में नहीं है, ये वो सेल्स हैं जो ऑलरेडी डिवाइड हो चुके हैं और यहां कभी मेरिस्टमैटिक टिश्यू यहां था बट वो धीरे धीरे नीचे अब यहां पे आ चुका है, तो यहां के सेल्स डिवाइड हो रहे हैं और यहां के सेल्स अब डिवाइड नहीं हो रहे, तो ये परमानेंट सेल बन गए, सही है, ये अब डिवीजन नहीं कर रहे हैं, अब ये मतलब ये इलॉन्ग हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ठीक है, ये क्या हो रहे हैं अपने साइज को बढ़ा रहे हैं। तो जहां पे आपका इलॉन्गेशन होता रहता है उसे हम लोग बोलते हैं जोन ऑफ इलॉन्गेशन, ठीक है। ये कौन सा जोन है, इट इज अ जोन ऑफ इलॉन्गेशन, समझ में आ रही है बात, ठीक है। फिर इसके ऊपर वाले जो सेल्स होंगे वो पूरी तरीके से मतलब लॉन्ग हो चुके होंगे, तो मतलब ये मैच्योर हो रहे होंगे, मतलब मान लो इसके ऊपर कुछ सेल्स हैं जो बड़े बड़े सेल्स हैं और ये पूरी तरीके से इलॉन्ग हो चुके हैं, समझ रहे हो, समझ रहे हो। सबसे पहले क्या हुआ होगा, यहां पर मेरिस्टमैटिक टिश्यू रहे होंगे, सही है, फिर वो आगे चल के यहां आ गए, तो यहां के सेल्स मेरिस्टमैटिक हो गए और ये इलॉन्गेशन हो गया होगा, सही है। फिर जब इनका इलॉन्गेशन हो गया तो अब ये कहां चले गए, अब ये मैच्योर होने लगे, तो ये मैच्योरेशन जोन में बच्चों, अब ये कौन से जोन में है, मैच्योरेशन जोन में है, और इनके नीचे वाले सेल्स कौन से, इलॉन्गेशन जोन में, और इसके नीचे वाले सेल्स कौन से, अभी मेरिस्टमैटिक। तो जब इनका डिवीजन हो जाएगा तो इनका भी इलॉन्गेशन शुरू हो जाएगा, और जब इनका इलॉन्गेशन शुरू हो जाएगा फिर इनका मैच्योरेशन शुरू हो जाएगा, समझ रहे हो, ऐसे जोन्स करके डिवाइड हो रहा है, जैसे जैसे ये बढ़ रहा है वैसे वैसे इसके जोन्स क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, सही है। तो अब देखो ये पूरी तरीके से इलॉन्ग हो चुका है, तो अब इसका क्या शुरू है, मैच्योरेशन शुरू है, और जैसे ये पूरी तरीके से मैच्योर हो जाएगा यहां पे रूट हेयर निकल जाएंगे बच्चों, ठीक है। जैसे ही ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, ये एरिया मैच्योर हो जाएगा ना, तो यहां से क्या निकल जाएंगे, रूट हेयर निकल जाएंगे और यहां से एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाएगी बच्चों, यहां से क्या शुरू हो जाएगी, एब्जॉर्प्शन, सही है। तो जैसे ही एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाती है, नाउ इस जोन को हम लोग कहेंगे जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन, क्या कहेंगे इसे हम लोग, जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन, क्लियर है, समझ में आ गया, समझ में आ गया रूट का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले देखो रूट ऐसे ऐसे से बढ़ रहा है, सही है, ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, तो मान लो सबसे पहले यहीं तक रूट था, तो यहां पे सबसे पहले क्या हुआ होगा, मेरिस्टमैटिक रीजन हुआ होगा, फिर यहां से क्या हुआ, सेल्स डिवाइड हुए और अब मेरिस्टमैटिक रीजन नीचे चला गया, सही है। तो यहां के सेल्स इलॉन्ग होना शुरू हो गए, जब ये इलॉन्ग हो गए तो यहां के सेल्स मैच्योर होना शुरू हुए, उसके बाद क्या हो गया, ये एब्जॉर्प्शन शुरू कर दिए, और ऐसे ही आपका ये जो जोन है वो नीचे 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 जा रहा है और आपका रूट क्या हो रहा है, बढ़ने लग रहा है, क्लियर है। तो यही चार रीजन हम लोग को रूट के अंदर देखने मिलते हैं, देखो यही चीज मैंने यहां पे लिखी हुई, चार रीजंस होते हैं। सबसे पहला क्या है, जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन, जहां पे एब्जॉर्प्शन देखने के लिए मिलती है, उसके बाद क्या है आपका मैच्यूरेशन जोन, उसके बाद क्या है आपका जोन ऑफ इलॉन्गेशन जहां पे सेल्स इलॉन्ग हो रहे हैं, और लास्ट क्या है आपका मेरिस्टमैटिक रीजन जहां पे सेल डिवीजन देखने के लिए मिल रही है, क्लियर है, समझ में आ रहा है, थोड़ा फास्ट हो रहा होगा आई नो बट समझ में आ जाएगा आप लोग को, सही है, क्लियर है। चलो आ जाओ नेक्स्ट चलते हैं, अच्छा रूट हेयर के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। अगर मैं रूट हेयर की बात करूं तो रूट हेयर बच्चों सिंगल सेल से बना होता है, सिंगल सेल से बना होता है रूट हेयर, ठीक है, बस वही एक सेल इलॉन्ग हो जाती है, जैसे मैं आपको दिखाता हूं यहां पे, दिस इज द सिंगल सेल, ये एक सिंगल सेल है, ठीक है, और यही बच्चों सेल आगे चल के ना ऐसे इलॉन्ग हो जाएगी, ऐसे इलॉन्ग हो जाती है, समझ रहे हो। तो ये सेल आगे चल के क्या हो गई है, इलॉन्ग हो गई है। अब ये प्लांट की बात हो रही है, तो प्लांट के पास सेल वॉल भी होती है और सेल मेम्ब्रेन भी होती है, याद है। तो ये मान लो इसकी मैंने सेल वॉल बनाई, तो इसके अंदर यहां पे क्या प्रेजेंट होगी, इसकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट होगी, इसकी सेल मेम्ब्रेन, और साथ ही साथ यहां पे एक बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट होगा, क्योंकि प्लांट्स के पास बड़ा बहुत बड़ा वैक्यूल होता है। सो बाहर वाली क्या है, दिस इज द सेल वॉल,
सही है, अंदर वाली क्या है, इट इज द सेल मेम्ब्रेन एंड द लास्ट दिस इज द वैक्यूल. एक सेकंड, स्पेलिंग गलत हो गई यार, सही है ठीक है, अभी भी गलत है स्पेलिंग, देख लेना अपने हिसाब से एक बार चेक कर लेना स्पेलिंग ठीक है. सो अगर मैं रूट की बात करूं तो हमेशा याद रखना रूट इज अ सिंगल सेल, ठीक है. रूट क्या होता है, सॉरी रूट नहीं, रूट हेयर क्या होता है, इट इज अ सिंगल सेल, और वही एक सिंगल सेल बच्चों इलॉन्ग हो जाता है और वो हेल्प करता है किसके लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए. अब एब्जॉर्प्शन होती कैसे एक्चुअल में, ध्यान से सुनो, एब्जॉर्प्शन कैसे होती है, आपका जो सेल वॉल है, आपका जो सेल वॉल है इट इज फ्रीली परमिएबल, ठीक है, जो सेल वॉल होता है ना इट इज फ्रीली परमिएबल, फ्रीली परमिएबल मतलब क्या मतलब है फ्रीली परमिएबल का, फ्रीली परमिएबल मतलब इस सेल वॉल से कुछ भी एंटर हो सकता है, कोई भी चीज यहां से घुस सकती है, समझ रहे हो, यहां से वाटर भी घुस सकता है, यहां से जितने भी आयंस होंगे वो भी घुस जाएंगे, यहां से दुनिया भर की चीजें जो भी चीज आसपास सॉइल में प्रेजेंट होती है ना, जो छोटे छोटे होंगे वो इस सेल वॉल के अंदर जा सकते हैं, वो इस सेल वॉल को पेनिट्रेट कर सकते हैं, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं ठीक है, इस सेल वॉल के अंदर वो जा सकते हैं, सही है. सो सेल वॉल इज फ्रीली परमिएबल, कोई भी सेल वॉल के अंदर घुस सकता है. बट अगर मैं बात करूं सेल मेम्ब्रेन की, अगर मैं बात करूं सेल मेम्ब्रेन की, तो सेल मेम्ब्रेन बोलता है नहीं भाई मैं किस सबको घुसने के लिए नहीं दूंगा. सेल मेम्ब्रेन कुछ ही चीजों को घुसने देता है, मतलब वाटर को घुसने देगा वो ठीक है, और कुछ सिलेक्टिवली आयंस को घुसने देता है. दैट्स व्हाई सेल मेम्ब्रेन इज कंसिडर एज सेमी परमिएबल, समझ रहे हो, ये वर्ड सुना होगा ना कभी आप लोग ने ठीक है. सो इट इज अ फ्रीली परमिएबल कौन, सेल वॉल. सेल वॉल किसी को भी घुसने दे देगा, कोई भी बोलेगा आजा आजा भाई कुछ नहीं अपना ही है, अपना ही घर है चल आजा, तो सबको अंदर घुसने दे देता है सेल वॉल. बट सेल मेम्ब्रेन बोलता है नहीं कोई भी अंदर नहीं आ सकता, जिसके पास टिकट है वही अंदर जाएगा ठीक है. तो कौन कौन जाते हैं, मोस्टली वाटर जाता है, वाटर परमिएबल हो जाता है ठीक है. कुछ आयंस होते जैसे आयोडीन्स के कुछ आयंस होते ठीक है, कुछ सॉल्ट्स होते वो अंदर चले जाते हैं, बट सब कोई अंदर नहीं जा सकता. अगर ऐसे फ्री एंट्री होती तो यार बैक्टीरिया वैक्टीरिया भी घुस जाते सेल के अंदर, प्लांट के अंदर ठीक है, छोटे छोटे वायरस भी घुस जाते, वायरस घुस जाते तो प्लांट को बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती ना, तो इसीलिए सबकी एंट्री अलाउड नहीं है ठीक है, समझ रहे हो. तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है हमेशा कि सेल वॉल इज फ्रीली परमिएबल एंड सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल, क्लियर है. तो वहां से अपना वाटर एंटर करता है. अब सारे वाटर एंटर नहीं करते बच्चों, बड़े सारे टाइप्स के वाटर होते हैं, आज मैं दिखाता हूं. अगर मैं बात करूं वाटर्स की तो कौन कौन से वाटर अवेलेबल होते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए. मान लो एक आपका प्लांट है, दिस इज द प्लांट और ट्री वॉट एवर यू कैन कंसिडर, एंड दिस इज द सॉइल ठीक है, ये आपका सॉइल है. अब इस सॉइल से यहां पे क्या निकला होगा, यहां से रूट होंगे इसके, ऐसे रूट होंगे, मान लो ऐसे रूट है, ये इतने इसका ये रूट रीजन है सही है. तो इसके रूट कितने एरिया में फैले हैं, इतने एरिया में, मतलब ये इतने एरिया में एब्जॉर्प्शन कर सकता है, समझ रहे हो, ये इतने एरिया में क्या कर सकता है, एब्जॉर्प्शन करता है. तो कोई भी प्लांट का जो एरिया होता है एब्जॉर्प्शन करने का, जो उसका एरिया है जितने एरिया में वो एब्जॉर्प्शन कर सकता है ना, उस एरिया को राइजोस्पियर कहते हैं हम लोग. क्या कहते हैं, राइजोस्पियर. सो राइजोस्पियर वो एरिया है जितने एरिया में आपका जो प्लांट है वो जिस उसके रूट फैले हुए हैं और वो वहां तक क्या कर सकता है, अपना एब्जॉर्प्शन कर सकता है. वहां तक अगर कोई वाटर प्रेजेंट है तो वो एब्जॉर्प्शन कर लेगा. अगर यहां पे कोई पानी प्रेजेंट है तो वाटर प्रेजेंट है तो, मान लो अगर यहां पे कोई वाटर प्रेजेंट है तो वो एब्जॉर्ब कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना यार, उसके बहुत से ही बाहर है वो, सही है. अब चार प्रकार के वाटर हमारे बुक में दिए हुए हैं, कौन सा वाटर अवेलेबल होता है एब्जॉर्प्शन के लिए वो हम लोगों को जानना है. सबसे पहला है बच्चों ग्रेविटेशनल वाटर. ग्रेविटेशनल वाटर नाम से पता चल रहा है हम लोगों को, ग्रेविटेशनल वाटर मतलब क्या, ग्रेविटी मतलब क्या, जो अपनी तरफ किसी भी चीज को खींचे, सही है. तो जब भी सॉइल के अंदर, मान लो ऐसा सॉइल है, मान लो ये सॉइल है ठीक है, अभी सॉइल के अंदर कोई भी वाटर जाता है ना, कोई भी वाटर मॉलिक्यूल रहता है ना, तो वो मॉलिक्यूल ग्रेविटी की वजह से नीचे 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 जाता रहता है, नीचे 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 जाता रहता है ठीक है. तो मान लो यहाँ पे भी ऐसे वाटर जो है वो नीचे 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 जा रहा है, जा रहा है, और अगर वो नीचे जाते जाते इसके राइजोस्पियर से ही बाहर निकल गया, अगर ग्रेविटेशनल वाटर जो है वो तो इसके राइजोस्पियर से बाहर निकल जाएगा ना, तो अगर ये इसके राइजोस्पियर से ही बाहर निकल गया तो कैसे एब्जॉर्प्शन होगा. दैट्स व्हाई ग्रेविटेशनल वाटर इज नॉट अवेलेबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ठीक है. फिर नेक्स्ट हम लोग बोलते हैं बच्चों हाइड्रोस्कोपिक वाटर ठीक है. हाइग्रोस्कोपिक वाटर मतलब क्या, ऐसे वाटर्स, ध्यान से सुनो ठीक है, ध्यान से सुनो. हाइग्रोस्कोपिक वाटर मतलब क्या, हाइग्रोस्कोपिक वाटर मतलब बच्चों ऐसे वाटर्स जो इससे दूर दूर प्रेजेंट होंगे, समझ में आ रही बात, जिससे जो क्या प्रेजेंट होंगे, इससे दूर दूर प्रेजेंट होंगे उसको हम लोग बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर. अब जो इससे दूर प्रेजेंट होगा वो कैसे ही आगे चल के क्या कर लेगा, इसके आगे चल के एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा
सिंपल सी बात है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है बच्चों कंबाइन वाटर। कंबाइन वाटर नाम से पता चल रहा है कि वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन है। मान लो यहां पे एल्यूमिनियम प्रेजेंट है, सही है, और इस एल्यूमिनियम ने क्या किया, वाटर के साथ रिएक्ट करके AlO2 बना दिया, सही है। तो अब वो वाटर एल्यूमिनियम के साथ कंबाइन प्रेजेंट है ना, कंबाइन फॉर्म में प्रेजेंट है, तो वो वाटर तो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा ना। तो मतलब आपका हाइग्रोस्कोपिक वाटर भी अवेलेबल नहीं है और कंबाइन वाटर भी अवेलेबल नहीं है। कौन सा वाटर अवेलेबल है बच्चों, कैपिलरी वाटर, ठीक है। कौन सा वाटर अवेलेबल है, कैपिलरी। कैपिलरी वाटर क्या होता है, देखो कैपिलरी इफेक्ट पता है आप लोग को। मान लो ऐसा एक सॉइल है, ठीक है, अब इसके अंदर भर गया अपना वाटर, इसके अंदर क्या भर गया, वाटर भर गया, ठीक है, इसके अंदर आपका पूरा वाटर भर गया, पूरा वाटर भर गया, देखो ध्यान से देखो। अब देखो यहां पे सॉइल है, यहां पे सॉइल है, सही है। तो जो सॉइल सॉइल वाला एरिया है उससे जो वाटर कनेक्टेड होगा, उससे जो वाटर कनेक्टेड होगा वो दिखाएगा अधेसिव फोर्स, सही है। मतलब इससे कनेक्ट होगा तो ये वाटर यहां से जुड़ जाएगा, चिपक जाएगा बिकॉज ऑफ द अधेसिव फोर्स। लेकिन बीच वाले वाटर में कोई फोर्स लगेगा क्या, नहीं। मतलब यहां से वाटर क्या होने लगेगा, ऊपर की तरफ जाने लगेगा, कैपिलरी इफेक्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। मतलब जब आपका जो वाटर इस कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर में फॉर्म हो जाता है ना, तो आपका वाटर ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। क्यों, क्योंकि बाजू बाजू का वाटर है वो अधेसिव फोर्स से बाजू वाले स्ट्रक्चर पर चिपक चुका है, समझ रहे हो। तो जिसके वजह से वाटर क्या आने लगता है, ऊपर आने लगता है, और ये वाटर ही अवेलेबल होता है किसके लिए, प्लांट के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए। सो सिर्फ और सिर्फ कैपिलरी वाटर अवेलेबल होता है एब्जॉर्प्शन के लिए। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि विच वाटर इज अवेलेबल फॉर द एब्जॉर्प्शन, तो आपको कौन सा टिक करना है, कैपिलरी वाटर। इसमें से कोई भी टिक नहीं करना, ठीक है, इसमें से कोई भी टिक नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ कैपिलरी वाटर अवेलेबल होता है एब्जॉर्प्शन के लिए। क्लियर है, समझ में आ गया, आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट बढ़ते हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द रूट फ्रॉम द सॉइल। अब एब्जॉर्प्शन हम लोग ने सीख लिया, हम लोग ने यह समझ लिया कि कौन सा वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन हम लोग को एक और चीज सीखनी है बच्चों, हम लोग को यह पता करना है कि आखिरकार एब्जॉर्प्शन होती कैसे है, कौन कौन से प्रोसेस से एब्जॉर्प्शन होती है, किस किस चीजों से एब्जॉर्प्शन एक्चुअल में हम लोग को देखने के लिए मिलती है, समझ में आ रही बात, ठीक है। किस किस चीजों से एक्चुअल में हम लोग को एब्जॉर्प्शन देखने के लिए मिलती है, तो तीन चीजों से एक्चुअल में एब्जॉर्प्शन होती है, तीन प्रोसेस से। एक है आपका इम्बाइबेशन, इम्बाइबेशन वॉज द वन प्रोसेस, ठीक है। एक है आपका डिफ्यूजन, डिफ्यूजन एक प्रोसेस है, और एक है आपका ऑस्मोसिस, ठीक है। ये तीन प्रोसेस है, इन तीनों प्रोसेस से आपका जो वॉटर है वो एब्जॉर्ब हो पाता है, और एब्जॉर्ब होने के बाद वो आगे तक फैल पाता है, आगे एक सेल से दूसरे सेल जा पाता है और ऊंचाई तक जा सकता है, समझ लो। अब इसके अंदर क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, उसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। इन चीजों को समझने के लिए बच्चों आप लोगों को कुछ वर्ड पता होने चाहिए, इन चीजों को समझने के लिए आपको कुछ वर्ड पता होने चाहिए। अब देखो यहां से थोड़ा ध्यान से देखो, ठीक है। इसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर है, फिर टर्गर प्रेशर है, वॉल प्रेशर है, बहुत सारी चीजें हैं, कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से समझा, अच्छे से देखो, मैं आप लोगों को अच्छे से समझा रहा हूं, ठीक है। देखो दो तीन चीजें आप लोग समझ लो पहले। सबसे पहले सॉल्वेंट क्या होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। सॉल्यूट क्या होते हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। सॉल्यूशन क्या होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। साथ ही साथ वाटर पोटेंशियल क्या होता है, वाटर पोटेंशियल किस चिड़िया का नाम है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये कुछ चीजें आप लोग को पता होना चाहिए, तभी आप जान पाओगे कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। चलो एक बहुत ही फेमस एग्जांपल लेते हैं नींबू पानी का। अगर मुझे नींबू पानी बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे कुछ चीजें लानी पड़ेगी, जैसे पानी लाना पड़ेगा, ठीक है, बाजार से नींबू लेके आना पड़ेगा, फिर शक्कर लगेगा, ठीक है, शक्कर भी डालते काफी लोग, फिर नमक लगेगा, समझ रहे हो। तो ये कुछ चीजें हैं जिससे मेरा नींबू पानी बन जाएगा। अब ये जो नींबू पानी है ना बच्चों, ये एक सोल्यूशन है। अगर मान लो मेरे पास एक ग्लास है, इस ग्लास है, अब इस ग्लास में नींबू पानी भरा हुआ है, इस ग्लास में मैंने क्या भर दिया, नींबू पानी भर दिया, नींबू पानी बड़ा सा, ठीक है। अब इस ग्लास में क्या रखा हुआ था, मैंने नींबू पानी, और ये नींबू पानी क्या है, एक सॉल्यूशन है, ठीक है। कलर कर लो इसको, चलो ठीक है। अब इस ग्लास में ये जो भरा हुआ स्ट्रक्चर है, ये क्या है अपना नींबू पानी, और ये नींबू पानी क्या है, पूरा का पूरा क्या है, एक सॉल्यूशन है। अब इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए दो चीजें लगी, एक आपका सॉल्यूट लगा और एक आपका सॉल्वेंट लगा, ठीक है। तो सॉल्वेंट बच्चों उसको कहते हैं जिसमें आप कोई भी चीज को मिक्स करोगे। जैसे पानी के अंदर मैंने नमक मिक्स किया, पानी के अंदर मैंने नींबू मिक्स किया, सही है। तो पानी की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, मतलब पानी की क्वांटिटी ज्यादा ली मैंने, और नींबू पानी मतलब जो नींबू थी उसकी कॉन्सेंट्रेशन मैंने कम ली,
सही है। तो जिस भी चीज की आप कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा लोगे, ठीक है, जिस भी चीज की आप कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा लोगे उसको हम लोग सॉल्वेंट कंसिडर करेंगे, मतलब जिस भी चीज में आप चीजों को मिला रहे हो, सही है। अब मेरा जो शक्कर है उस शक्कर को मैं पानी में मिला रहा हूं या पानी को मैं शक्कर में मिला रहा हूं, थोड़ा सोचो। मैंने शक्कर को पानी में मिलाया ना, मतलब जिस भी चीज में चीजों को मैं मिला रहा हूं वो क्या हो जाएगा, मेरा सॉल्वेंट। इसका मतलब वाटर क्या है, मेरा सॉल्वेंट है, सही है। और जो सॉल्ट था, जो शुगर था, वो क्या है, मेरा सॉल्यूट है, ठीक है। सॉल्यूट मतलब क्या, जिस चीज को आप मिलाओगे। सॉल्वेंट मतलब क्या, जिसमें आप मिलाओगे। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब आप मिक्स कर दोगे, इन दोनों को मिक्स कर दोगे तो आपका क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। आपका क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। क्लियर है, समझ में आया, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्वेंट मतलब क्या, जिसमें आप कोई भी चीज मिलाओगे, सही है। और सॉल्यूट मतलब क्या, जिस चीज को आप मिला रहे हो, सही है। और दोनों को मिलाने के बाद क्या बन जाएगा, आपका सॉल्यूशन बन जाएगा। क्लियर है। वाटर पोटेंशियल क्या होता है, ध्यान से देखो। मान लो इसको मिटा दूं मैं, जैसे ये मिटा देता हूं। वाटर पोटेंशियल क्या होता है, मान लो एक कंटेनर है, एक कंटेनर है और इस कंटेनर में वाटर भरा हुआ है, प्योर वाटर भरा हुआ है। ध्यान से सुनो, मान लो एक कंटेनर है और इस कंटेनर में वाटर भरा हुआ है, सही है। अब इस इसके अंदर प्योर वाटर है, प्योर वाटर, इसके अंदर मैंने कोई भी चीज, कोई भी पार्टिकल मिक्स नहीं किया हुआ, तो इसका मतलब जितने भी यहां वाटर मॉलिक्यूल है, मान लो ये सब वाटर मॉलिक्यूल है, ये जितने भी वाटर मॉलिक्यूल है बच्चों, ये फ्रीली मूव कर सकते हैं, चाहे वो कहीं भी मूव कर सकते हैं, चाहे वो यहां जा सकते हैं, चाहे वो यहां जा सकते हैं, चाहे वो यहां जा सकते हैं, वो कहीं भी मूव कर सकते हैं, सही है। वो कहीं भी क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। मतलब इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गई, इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गई। और इनकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब रहेगी, मतलब सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी कब रहेगी, जब ये मैक्सिमम घूम सकते हैं, मैक्सिमम पूरी तरीके से कहीं भी जा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इनके अंदर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, समझ में आ रही बात। और ये मैक्सिमम कब रहेगी, जब वाटर प्योर फॉर्म में होगा, ठीक है। वाटर किस फॉर्म में होगा बच्चों, प्योर फॉर्म में होगा। अगर मैंने इसके अंदर कोई भी, इसके अंदर मैंने कोई भी सॉल्यूट डाल दिया, मान लो मैंने इसके अंदर एल्यूमिनियम डाल दिया, चलो मान लो मैंने इसके अंदर एल्यूमिनियम डाल दिया। अब एल्यूमिनियम क्या करेगा, वाटर के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचेगा, वाटर के मॉलिक्यूल क्या करेगा, अपनी तरफ पुल करेगा, सही है। तो जिसके वजह से वाटर का जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाएगा पहले के कंपैरिजन में, सही है। पहले वाटर फ्रीली मूव कर पा रहा था, लेकिन अब वाटर का जो मूवमेंट है वो क्या हो चुका है, थोड़ा सा स्लो हो चुका है, रोका जा रहा है। किसके द्वारा रोका जा रहा है, इस एल्यूमिनियम की वजह से। तो एल्यूमिनियम जैसे ही मैंने सॉल्यूट डाल दिया, ठीक है, जैसे ही मैंने सॉल्यूट डाल दिया, तो वाटर की जो इधर उधर घूमने की पोटेंशियल था वो क्या हो गया, कम हो गया, समझ में आ रही बात। इसी चीज को, जो आपका वाटर घूमता है ना, जो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है इधर उधर घूमने की, इसी चीज को बच्चों वाटर पोटेंशियल कहा जाता है। इसी चीज को क्या बोलते हैं हम लोग, वाटर पोटेंशियल। इसको दिखाते किस सिंबल से हम लोग, इसे हम लोग साई सिंबल से दिखाते हैं। दिस इज साई डब्ल्यू, ठीक है, दिस इज द साई डब्ल्यू, वाटर पोटेंशियल सिंबल से दिखाते हैं। और वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम कब होगा, जब ये हमेशा प्योर फॉर्म में होगा। अगर आप इसमें कोई भी सॉल्यूट डालोगे तो वाटर पोटेंशियल की वैल्यू कम हो जाएगी, समझ में आ रही बात। मतलब ये क्या होने लगेगा, धीरे धीरे गिरने लगेगा। क्या बोला मैंने, समझा, वाटर पोटेंशियल मतलब क्या, वाटर पोटेंशियल मतलब वाटर की घूमने की एबिलिटी। अगर वो फ्रीली घूम पा रहा है, अगर वो फ्रीली घूम पा रहा है तो वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम है। और वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम कितना होता है, जीरो। अगर वाटर पोटेंशियल जीरो है मतलब वो मैक्सिमम है, कोई कहीं भी घूम सकता है, मैं यहां पे भी जा सकता हूं, मैं वहां पे भी जा सकता हूं, मैं फ्री हूं घूमने के लिए। तो मेरा वाटर सबसे ज्यादा मेरा पोटेंशियल एनर्जी उसी टाइम पे। अगर इस वाटर के अंदर मैंने सॉल्यूट डाल दिया, कोई भी सॉल्यूट डाल दिया, तो वाटर की इधर उधर घूमने की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब वाटर पोटेंशियल नेगेटिव में चला जाएगा, समझ रहे हो। वाटर पोटेंशियल नेगेटिव में चला जाएगा, वाटर पोटेंशियल की वैल्यू कोई पॉजिटिव में नहीं आती, समझ रहे हो मैंने क्या बोला। सो वाटर पोटेंशियल समझा क्या होता है, मैं कोई भी यहां से वहां घूम, वाटर जो है वो जब फ्रीली यहां से वहां घूमेगा तो वो उसकी वाटर पोटेंशियल है, समझ लो, फुल वाटर पोटेंशियल है। अगर मैं उसमें सॉल्यूट डाल दूं तो वो फ्रीली यहां से वहां घूम नहीं पाएगा। जितना ज्यादा सॉल्यूट डाल दूंगा उतना वाटर पोटेंशियल कम होते जाएगा, मतलब उसकी घूमने की एबिलिटी, यहां से वहां फ्रीली ट्रैवल करने की एबिलिटी उतनी कम होती जाएगी, तो वाटर पोटेंशियल भी उतना कम होने लगेगा, समझ में आई बात। वाटर पोटेंशियल समझ में आ गया, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, बहुत जरूरी है ये, वरना आपको चीजें नहीं समझ में आएगी आगे चल के, ठीक है। अभी देखो इधर आ जाओ वापस। तीन चीजें हम लोग को पढ़नी है, तीन चीजों से आपका वाटर एक जगह से दूसरी जगह जाता है। एक है आपका इम्बाइबेशन, एक है आपका डिफ्यूजन और एक है आपका ऑस्मोसिस, ठीक है। इम्बाइबेशन को दो मिनट के लिए साइड में रख दो, पहले हम लोग पढ़ते हैं बच्चों डिफ्यूजन के बारे में। आखिरकार डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन हम लोग ने बचपन से पढ़ा हुआ है। कोई भी चीज,
अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में एक साइड रखोगे तो वो ऑटोमेटिकली लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ भागने लगेगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे दो कंटेनर लिए और दोनों कंटेनर को एक पाइप से कनेक्ट कर दिया। मान लो मैंने दो कंटेनर लिए, दोनों को एक पाइप से मैंने कनेक्ट कर दिया और एक के अंदर मैंने इतना पानी भर दिया, इतना, ठीक है, और दूसरे के अंदर पानी ही नहीं है, तो क्या होने लगेगा? पानी इस जगह फ्लो होने लगेगा, इस जगह से इस जगह क्या होने लगेगा? फ्लो होने लगेगा। समझ रहे हो? मतलब कोई भी चीज हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाएगी। सही बात है ना? इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। समझ रहे हो? इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। कोई भी आयन, कोई भी एटम, कोई भी मॉलिक्यूल अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन ट्रेवल कर रहे हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। क्लियर है? यहां पे देखो लिखा हुआ है मैंने, समझो, यहां पे मैंने लाइन लिखी हुई है, क्या लिखा है मैंने? द मूवमेंट ऑफ आयन, ठीक है, किसका मूवमेंट हो रहा है? आयन्स का मूवमेंट हो रहा है, एटम का मूवमेंट हो रहा है या फिर मॉलिक्यूल का, किसी भी चीज का मूवमेंट हो रहा है, ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन। हायर कॉन्सेंट्रेशन से मूवमेंट कहां होगा इसका? लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? दैट इज डिफ्यूजन। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। समझ में आ रही बात? अच्छा, डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है? डिफ्यूजन प्रेशर समझो, मान लो ये कंटेनर है और इसको वापस मैंने कनेक्ट कर दिया इसी कंटेनर से और इसमें इतना पानी भर दिया, सही है, तो जिस प्रेशर से ये पानी फ्लो होगा इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में, उसी प्रेशर को हम लोग डिफ्यूजन प्रेशर या फिर डीपी कहते हैं। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन प्रेशर या फिर डीपी। अब देखो, अगर जितने मॉलिक्यूल यहां पे ज्यादा होंगे उतना ही प्रेशर भी ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है ना? जितना मैं यहां पे मॉलिक्यूल बढ़ाऊंगा, जितना मैं क्वांटिटी, जितना कॉन्सेंट्रेशन मैं यहां पे बढ़ाऊंगा, उतना ही क्या होगा? प्रेशर भी ज्यादा होगा, उतनी प्रेशर से ये फ्लो भी होगा, सही है। अगर ज्यादा पानी है तो ज्यादा प्रेशर से फ्लो होगा, अगर थोड़ा सा पानी है तो थोड़े से प्रेशर से फ्लो होगा। सही बात है? वही चीज यहां पे भी लिखी हुई, देखो, डिफ्यूजन प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजिंग पार्टिकल। समझ रहे हो? मतलब जितने पार्टिकल्स यहां पे होंगे उतना ही क्या होगा? डिफ्यूजन प्रेशर। अगर पार्टिकल बढ़ेंगे तो डिफ्यूजन प्रेशर भी बढ़ेगा, अगर पार्टिकल कम होंगे तो डिफ्यूजन प्रेशर भी क्या होगा? कम होगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। उसके बाद एक और चीज है, अच्छा एक और यहां पे दिया हुआ है, एक सेल का एग्जांपल दिया हुआ है, प्लांट्स के अंदर एक्चुअल में डिफ्यूजन कैसे होता है। देखो यहां पे दिया हुआ है, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। सेल मेम्ब्रेन में आपको एक चीज दिख रही होगी, ये है आपका फॉस्फोलिपिड की मेम्ब्रेन, दिख रहा है? मैं यहां पे बनाता हूं, एक आपका ऐसा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, सही है, और उसके नीचे ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिया हुआ है, दिस इज द फॉस्फोलिपिड। ये क्या है आपका? फॉस्फोलिपिड। और फॉस्फोलिपिड बच्चों हमेशा बाइलेयर फॉर्म करते हैं, हमेशा दो लेयर फॉर्म करते हैं, देखने मिल रहा होगा, एक लेयर यहां से, एक लेयर यहां से, ऐसा क्यों? ध्यान से सुनो, जिसमें ये जो ऊपर वाला एरिया है, जो येलो कलर में बना रहा हूं, ये गोला वाला एरिया, दिस इज द फॉस्फोरस। ये कौन सा एरिया है? ये कौन सा है, क्या चीज है ये? दिस इज द फॉस्फोरस, सही है। और ये जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है, जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है, ये क्या है? इट इज अ लिपिड। तो बच्चों जो लिपिड होता है ना, ये हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब इसको पानी से बड़ा डर लगता है। इट इज अ हाइड्रोफोबिक, मतलब इसको पानी से बहुत ज्यादा डर लगता है, ठीक है, तो ये पानी के कॉन्टेक्ट में कभी रहना नहीं चाहता। उसी की तरह ये जो फॉस्फोरस है ना बच्चों, ये हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक मतलब इसको पानी से प्यार है, इसको पानी से प्यार है, इसको पानी चलेगा, तो दैट्स वाई ये बाइलेयर फॉर्म कर देते। देखो यहां से भी पानी लग जाएगा इसको, यहां से भी इसको पानी लग जाएगा, सही है, तो इसीलिए दोनों जगह क्या है? फॉस्फोरस है, और बीच में क्या आपका पड़ा हुआ है? लिपिड पड़ा हुआ है, जिससे ये दोनों पानी से बच गए और ये दोनों के ऊपर पानी लग गया। समझ में आ रही बात? इसीलिए जो फॉस्फोलिपिड हमेशा दो लेयर फॉर्म करता है, हमेशा दो लेयर क्यों बनाते हैं? क्योंकि एक जगह हाइड्रोफिलिक है, एक जगह हाइड्रोफिलिक है, एक जगह हाइड्रोफोबिक है, तो ये फोबिक वाला बीच में छुप जाता है और साइड साइड में फिलिक वाले लग जाते हैं। अब इसमें क्या बोला है, देखो कि यहां पे इस सेल मेम्ब्रेन में एक पोर प्रेजेंट है, जिस पोर का नाम है बच्चों वाटर सिलेक्टिव पोर, ठीक है, जिसका नाम क्या दिया हुआ है? वाटर सिलेक्टिव पोर या फिर एक्वापोरिन लिखा हुआ है। देखा, यहां पे लिख देता हूं मैं एक्वापोरिन। अब इस एक्वापोरिन के थ्रू हो क्या रहा है? एक छोटा सा पोर है बच्चों, जिस पोर के थ्रू डिफ्यूजन देखने के लिए मिल रहा है। मतलब आप देख रहे हो यहां पे अगर वाटर, देखो यहां लिखा है वाटर मॉलिक्यूल, तो यहां पे जो वाटर मॉलिक्यूल है अगर इनका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो ये इस पोर के थ्रू इस साइड अंदर चले जाएंगे, सही है, लेकिन अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन यहां ज्यादा होगा तो ये सेल के बाहर भी आ जाएंगे। समझ रहे हो? विद द हेल्प ऑफ दिस एक्वापोरिन या फिर वाटर सिलेक्टिव पोर्स। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो वही चीज यहां पे दिखाई हुई है कि ये आपका सेल है और ये सेल में जो मैंने बताया ना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सिर्फ वाटर को अलाउ कर रही है, क्योंकि ये दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन। क्लियर है? समझ में आ गया? नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट इज द ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? देखो
ऑस्मोसिस इज अ टाइप ऑफ अ डिफ्यूजन, ठीक है, ऑस्मोसिस एक डिफ्यूजन का ही टाइप है बट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। क्या बोला मैंने, डिफ्यूजन मैंने आपको समझाया, डिफ्यूजन मतलब क्या, कोई भी चीज अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन जा रही है तो वो डिफ्यूजन है, कोई भी चीज अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन जा रही है तो वो क्या है, डिफ्यूजन है, सही है। अगर हम लोग बात करें ऑस्मोसिस का, ठीक है, अगर हम लोग बात करें ऑस्मोसिस का तो ऑस्मोसिस में बच्चों ऑस्मोसिस में भी डिफ्यूजन ही होगा, सही है, बट वहां पे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी जाएगी, ठीक है, वहां पे क्या लगा दी जाएगी, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो मान लो ये एक आपका कंटेनर है, ठीक है, ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर के बीच में मैंने यहां पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी, यहां पे इसमें मैंने क्या लगा दी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी। अब मान लो यहां पे वाटर है, यहां पे मैंने वाटर भर दिया, ठीक है, यहां पे मैंने क्या भर दिया, वाटर भर दिया, सही है, और यहां पे मान लो यहां पे वाटर नहीं है, ठीक है, तो इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर आपका ट्रांसफर हो जाएगा। कब तक ट्रांसफर होगा, जब तक दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम ना हो जाए। अब एक और चीज मैं आपको बताता हूं, देखो मान लो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, मान लो दोनों साइड, मान लो दोनों साइड वाटर का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, जितना वाटर कॉन्सेंट्रेशन यहां पे है उतना ही वाटर कॉन्सेंट्रेशन यहां पे है और बीच में आपका एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन डाल दी मैंने। मान लो यहां पे एक साइड में मैंने सॉल्यूट डाल दिया कुछ, मान लो मैंने सॉल्ट डाल दिया, यहां पे मैंने कुछ सॉल्ट डाल दिया। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर मैंने बच्चों यहां पे सॉल्ट डाल दिया और यहां पे सॉल्ट नहीं डाला तो इसका मतलब यहां का वाटर पोटेंशियल कम हो गया। क्यों कम हो गया, क्योंकि यहां का जो वाटर है बच्चों ये घूम नहीं पा रहा, मतलब इसका वाटर पोटेंशियल कम हो गया और इसका, देखो यहां पे प्योर वाटर है तो इसका वाटर पोटेंशियल क्या हो गया, ज्यादा हो गया। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही मैंने बात क्या मैंने बोला, यहां पे मैंने सॉल्यूट डाल दिया तो सॉल्यूट डालने की वजह से इसका वाटर पोटेंशियल क्या हो गया, गिर गया, बट इसका वाटर पोटेंशियल नहीं गिरा है। समझ में आ रही बात, मतलब इसकी कॉन्सेंट्रेशन, अब इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गई और इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, कम हो गई। तो अब क्या हो देखने मिलेगा पता है, भले ही वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, भले ही वाटर ज्यादा है बट पानी इस साइड से इस साइड फ्लो होना शुरू हो जाएगा। समझ लो, इस साइड से इस साइड पानी फ्लो होना शुरू हो गया, क्यों, क्योंकि यहां पे सॉल्यूट आ गया बच्चों और इन सॉल्यूट की वजह से इसने वाटर पोटेंशियल को गिरा दिया, वाटर पोटेंशियल गिर गया, दैट्स व्हाई यहां का पानी इस साइड फ्लो होने लगा क्योंकि यहां पे कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई। समझ रहे हो, दिस इज द ऑस्मोसिस, ठीक है, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ऑस्मोसिस कहते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है, इस चीज को हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। अब एक और चीज समझ लो, जिस प्रेशर से आपका वाटर फ्लो हो रहा है, अब ये जो वाटर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो कुछ प्रेशर लगा रहा होगा ना, मतलब यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल है वो वाटर मॉलिक्यूल इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पे कुछ प्रेशर लगा रहे होंगे, कुछ धक्का लगा रहे होंगे, तभी तो वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, सही है। तो जो प्रेशर आपका वाटर मॉलिक्यूल इस मेम्ब्रेन पे लगाता है उस प्रेशर को हम लोग कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर है, समझ में आ गया, यहां तक चीजें समझ में आ गई। अब अच्छा एक और चीज समझ लो, मान लो एक कंटेनर है, एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, मान लो एक कंटेनर मैंने रखा है और इस कंटेनर के अंदर बच्चों मैंने पानी भर दिया, इस कंटेनर के अंदर मैंने क्या भर दिया, पानी भर दिया, ठीक है, कंटेनर के अंदर मैंने पानी भर दिया, पानी भरने के साथ साथ मैंने इसके अंदर बच्चों एक सेल रख दिया, ठीक है, इसके अंदर मैंने एक सेल रख दिया, यहां पे दिस इज द सेल, ये सेल की सेल वॉल है, ठीक है, ये मैं मिटा देता हूं, ये सेल की सेल वॉल है और सेल वॉल के अंदर क्या होता है, अभी मैंने आप लोगों को बताया सेल वॉल के अंदर है बच्चों सेल मेम्ब्रेन, तो मान लो दिस इज द सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, यहां पे वैक्यूल प्रेजेंट है, यहां पे वैक्यूल प्रेजेंट है, सही है। अब देखो बाहर पानी प्रेजेंट है, ठीक है, और बाहर पानी में कोई भी सॉल्यूट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, कोई भी सॉल्यूट नहीं है, सही है। इसका मतलब क्या है कि इस वाटर का वाटर पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा है, ठीक है, इसका वाटर का वाटर पोटेंशियल क्या है, बहुत ही ज्यादा है। अगर मैं सेल की बात करूं तो सेल के अंदर भी वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, इसके अंदर भी वाटर प्रेजेंट है, बट सेल के अंदर मिनरल्स भी प्रेजेंट होंगे, सेल के अंदर सॉल्यूट प्रेजेंट होंगे, सॉल्ट प्रेजेंट होंगे, मतलब इसके अंदर सॉल्यूट भी प्रेजेंट है। समझ रहे हो मैंने क्या बोला, समझ रहे हो, वाटर पोटेंशियल वाटर के अंदर यहां पे कुछ नहीं प्रेजेंट है, इसके अंदर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब क्या है कि इसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा है क्योंकि इसके अंदर कोई भी सॉल्यूट नहीं है। वही अगर मैं बात करूं इस सेल की, तो इस सेल के अंदर वाटर तो है बट वाटर के साथ साथ कुछ मिनरल्स प्रेजेंट होंगे, वाटर के साथ साथ कुछ सॉल्ट्स प्रेजेंट होंगे, सही है, तो इसका मतलब यहां पे सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो इसका मतलब इस सेल के अंदर का जो वाटर पोटेंशियल है वो कम है
और इसका वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, तो इसका मतलब जो भी पानी है वो अंदर फ्लो होना शुरू हो जाएगा। जो पानी है बच्चों वो कहां से फ्लो होना शुरू हो जाएगा, इस वाटर से इस सेल के अंदर फ्लो होना शुरू हो जाएगा, सही है। और ये वाटर ये ना ऐसा फूल जाएगा पूरा, तो मतलब सेल कैसा दिखेगा, देखो आपकी सेल मेम्ब्रेन यहां, सेल वॉल यहां पे, और ये जो सेल मेम्ब्रेन है अंदर वाली ये ना पूरी ऐसे चिपक जाएगी इस वॉल से, इस वॉल से क्या हो जाएगी पूरी से चिपक जाएगी, चिपक जाएगी। थोड़ा बड़ा बनाए क्या, हाँ ऐसा बना, देखो पूरा ऐसा चिपक जाएगा, समझ रहे हो, गैप नहीं रहेगा, और इसके अंदर पूरा क्या भर जाएगा, वाटर भर जाएगा। इसके अंदर पूरा क्या भर जाएगा बच्चों, इसके अंदर पूरा वाटर भर जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो, इसके अंदर क्या भर गया, पूरा वाटर भर गया, मतलब वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर क्यों भरा, क्योंकि इसके अंदर सॉल्यूट प्रेजेंट है। अब सॉल्यूट अगर प्रेजेंट होंगे तो इसका मतलब क्या है, इसका वाटर पोटेंशियल कम हो गया, समझ रहे हो, अगर इसके अंदर सॉल्यूट प्रेजेंट है तो इसका वाटर पोटेंशियल क्या हो गया बच्चों, कम हो गया। कम होने की वजह से जो वाटर है उसका मूवमेंट किस जगह पे हुआ, अकॉर्डिंग टू डिफ्यूजन, वो इस कॉन्सेंट्रेशन से इस कॉन्सेंट्रेशन क्या होने लगे, फ्लो होने लगे। क्लियर है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। ऐसे सेल को जिसके अंदर पूरा वाटर भर चुका है, ऐसे सेल को बच्चों हम लोग टर्जिड सेल बोलते हैं। ऐसे सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज अ टर्जिड सेल, ठीक है, दिस इज द टर्जिड सेल। और जब टर्जिड सेल होगा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, आप देखो, अब देखो जो चीजें बता रहा हूं ध्यान से सुनो। टर्जिड सेल है मतलब यहां का जो वाटर मॉलिक्यूल होगा वो इसके सेल मेम्ब्रेन पे फोर्स लगा रहा होगा, फोर्स लगा रहा होगा, क्योंकि भैया पूरा पानी अंदर भर चुका है ना, तो जो टर्जिड सेल है वो अंदर क्या लगा रहा होगा, फोर्स लगा रहा होगा, सही है। तो जो फोर्स इसका वाटर मॉलिक्यूल इसके वॉल पे लगा रहा है, समझ में आ रही बात, जो फोर्स इसका वाटर मॉलिक्यूल इसके फोर्स पे लगा, वॉल पे लगा रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों वॉल प्रेशर या फिर वॉल फोर्स, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज वॉल फोर्स, समझ में आ रही बात, या फिर वॉल प्रेशर, समझ लो। तो वॉल प्रेशर क्या हो गया, वॉल प्रेशर क्या हो गया, वो प्रेशर जो आपका वाटर मॉलिक्यूल वॉल पे लगा रहा है। बट वो वॉल टूटेगी क्या, नहीं भैया, सेल वॉल है, सेल वॉल थोड़ी टूटती है। तो जो वाटर मॉलिक्यूल लगा रहा है प्रेशर वो क्या हो जाएगी, वॉल, सही है। लेकिन वॉल टूट रही है क्या, नहीं, वॉल ऐसे लगा हुआ है, वॉल ऐसे लगा हुआ है और अंदर ये पूरा फूल चुका है, सही है। तो इसके अंदर जो वॉल जो प्रेशर लगा रहा है, ध्यान से सुनो, जो वॉल जो प्रेशर लगा रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्जिड प्रेशर, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्जिड प्रेशर या फिर टर्गर प्रेशर, टर्गर प्रेशर, समझ में आई बात, समझ में आई बात। क्या बोला मैंने, वापस सुनो एक बार ध्यान से सुनो, सब समझ में आएगा। मैंने क्या बोला था कि जब आपका वॉटर, ये कंडीशन मैंने बनाई थी, इस कंडीशन के अंदर, ठीक है, इस कंडीशन के अंदर बाहर कोई भी सॉल्यूट नहीं था, तो बाहर वाटर पोटेंशियल ज्यादा था, सही है। वो वाटर पोटेंशियल ज्यादा होने की वजह से, आपका ऑस्मोसिस के वजह से, जो वाटर है वो इस बाहर से कहां फ्लो होने लगा, अंदर की तरफ फ्लो होने लगा। तो जब ये अंदर की तरफ फ्लो हो रहा था तो वहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर लग रहा था, सही बात है, इसके वॉल्स पे ऑस्मोटिक प्रेशर लग रहा था ताकि अंदर जा रहा था, सही है। अब जी जैसे ही अंदर गया तो ये वाटर पूरा फूल गया, अंदर अंदर चला गया ना, तो ये वैक्यूल पूरा फूल गया, वाटर भर गया, ऐसे कंडीशन को हम लोग टर्जिड सेल बोलते हैं, सही है। तो जब ये पूरा फूल गया, ठीक है, जब ये वाटर पूरा फूल गया बच्चों, तो ये इसके अंदर कैसा टर्गर प्रेशर आ गया ना। टर्गर प्रेशर मतलब क्या कि इसके वॉल जो है, इसका मतलब टर्गर प्रेशर मतलब क्या, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये आगे चल के प्रेशर लगा रहे, तो टर्गर प्रेशर, और साथ ही साथ ये वॉल भी इसके ऊपर प्रेशर लगा रहा है, वाटर के ऊपर जो वॉल्स हैं वो भी वाटर के ऊपर प्रेशर लगा रही है, क्योंकि वो उसको बाहर निकलने नहीं दे रही है, तो वो हो गया वॉल प्रेशर। समझा क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने, समझा। एक आपका, समझो मान लो मैं वाटर मॉलिक्यूल हूं, ठीक है, और मुझे इसे बंद कर दिया गया, मुझे एक एरिया मतलब एक कंपार्टमेंट में बंद कर दिया गया, तो मैं प्रेशर लगा रहा हूं बाहर जाने के लिए, मैं प्रेशर लगा रहा हूं बाहर जाने के लिए, समझ में आ रही बात। तो ये टर्गर प्रेशर है, मतलब वाटर जो प्रेशर लगा रहा है वो टर्गर प्रेशर है, और वॉल भी मुझ पे प्रेशर लगा रही है, क्योंकि वो मुझे बाहर नहीं जाने दे रही है, सेल वॉल टूटेगी नहीं, सेल वॉल टूटेगी नहीं, सही है। तो सेल वॉल भी मेरे ऊपर प्रेशर लगा रही है ताकि मैं बाहर ना जा पाऊं, सही है, तो वो वॉल प्रेशर है, समझ रहे हो, ठीक है। और ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर समझा तुम लोग को, जब वाटर इसके अंदर जा रहा था तो कुछ प्रेशर से जा रहा होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, समझ में आ रही बात, ठीक है। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब यहां पे कंडीशन क्या हुई, ये चीज है, जब पूरी तरीके से ये अंदर चला जाएगा, मतलब जब ये पूरा पानी अंदर से पूरा टर्जिड बन जाएगा, पूरा टर्जिड सेल बन जाएगा, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो वॉल प्रेशर है वो टर्जिड प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। क्या बोला मैंने, समझा, जब ये पूरी तरीके से अंदर भर गया, जब ये पानी पूरी तरीके से अंदर भर गया, तो मैं जितना फोर्स लगाऊंगा बाहर, जितना फोर्स लगाऊंगा उतना ही फोर्स जो है वो वॉल भी मेरे ऊपर लगाएगा, तो उस टाइम पे जो टर्जिड प्रेशर, जो टर्गर प्रेशर है वो वॉल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा,
वो वॉल प्रेशर की क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना टर्जिड कंडीशन में, टर्जिड कंडीशन में टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है, ये हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर है, समझ में आ गई बात। अच्छा एक चीज और समझानी है मेरे को आप लोग को, डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट, डिफ्यूजन प्रेशर डिफेक्ट। अब डिफ्यूजन प्रेशर क्या है, सुनो ध्यान से सुनो, मान लो सेल है, ठीक है, सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है आपका, वैक्यूल प्रेजेंट है। अब मान लो इसके अंदर पानी जा रहा है, ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा है आपका, पानी यहां से अंदर जा रहा है, पानी यहां से अंदर जा रहा है, ठीक है। तो जब आपका पानी अंदर जा रहा है तो वो क्या कर रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर लगा रहा है, वो कौन सा प्रेशर लगा रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर लगा रहा है, सही है। सिमिलरली जैसे ही वो ऑस्मोटिक प्रेशर लगा रहा है, अंदर से कौन सा प्रेशर लग रहा है, टर्गर प्रेशर लग रहा है, ठीक है, अंदर से कौन सा प्रेशर लग रहा है, टर्गर प्रेशर लग रहा है, अंदर से कौन सा प्रेशर लग रहा है, टर्गर प्रेशर लग रहा है, ठीक है। तो जब तक ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा रहेगा अंदर बाहर, मतलब जब यहां का कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा है, मान लो यहां का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और यहां का अंदर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, सही है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर उस टाइम पे ज्यादा है, मतलब आपका बाहर का पानी अंदर आ रहा है, सही है, तो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ज्यादा है, सही है, और टर्गर प्रेशर आपका कम है। समझ में आ रही बात। मान लो मैं आप लोगों को समझाता हूं, एक एग्जांपल देकर समझाता हूं। मान लो आपका ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो 10 डेसिबल का है, डेसिबल नहीं 10 न्यूटन का है, न्यूटन तो बहुत ज्यादा वैल्यू हो गई, 10 पास्कल का है, चलो पास्कल वैल्यू ले लेते, मान लो ये 10 पास्कल का वैल्यू बाहर से लग रहा है, ठीक है, लेकिन अभी अंदर पूरी तरीके से सेल भरा नहीं हुआ है पानी से, तो ये भी थोड़ा थोड़ा प्रेशर लगा रहा है, पर ये 2 ही पास्कल का प्रेशर लगा पा रहा है। कितने पास्कल का प्रेशर लगा पा रहा है, 2 ही पास्कल का प्रेशर लगा पा रहा है। तो अगर मैं दोनों का नेट प्रेशर जोड़ू, तो नेट प्रेशर कैसे जोड़ूंगा मैं, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। तो इसकी जो वैल्यू आती है ना बच्चों, उस वैल्यू को हम लोग कहते हैं दैट इज डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, ठीक है, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट का मतलब क्या है, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। क्लियर है, समझ में आ गई बात। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट का मतलब क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर, मतलब जितना प्रेशर से चीजें अंदर आ रही हैं और कितने प्रेशर से आप बाहर धक्का दे रहे हो, उन दोनों को जब आप निकाल लोगे तो आपको डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट मिल जाएगा, मतलब किस रेट से डिफ्यूजन हो रहा है वो आपको पता चल जाएगा। समझ में आई बात। अगर मैं टर्जिड सेल की बात करूं, टर्जिड सेल मतलब क्या, मतलब ऐसा सेल, टर्जिड सेल मतलब क्या, जिसमें आपका डिफ्यूजन प्रेशर हमेशा, देखो अब मैंने आपको बताया जहां पर डिफ्यूजन प्रेशर वॉल प्रेशर के इक्वल होगा, डिफ्यूजन प्रेशर जितना है उतना ही वॉल भी लगा रहा है ना, मैं जितना धक्का दे रहा हूं उतना ही मुझे भी धक्का मिल रहा है, मैं जितना धक्का दे रहा हूं उतना ही मुझे भी धक्का मिल रहा है, तो डिफ्यूजन प्रेशर हमेशा टर्जिड प्रेशर के इक्वल होगा, सही है, समझ में आ रही बात। लेकिन उस टाइम पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा ना, सही है। तो एट टर्जिड कंडीशन आपका ऑस्मोटिक प्रेशर इज सेम टू किसके हो जाएगा, दैट इज टर्गर प्रेशर। तो उस टाइम पे दोनों सेम वैल्यू है, मतलब आपका टर्जिड कंडीशन में, टर्जिड सेल में आपका डीपीडी की वैल्यू हमेशा जीरो हो जाएगी बच्चों, ठीक है, डीपीडी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, मतलब जितना प्रेशर बाहर से लग रहा है उतना ही प्रेशर अंदर से लग रहा है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करके वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब एक और कंडीशन होती है बच्चों फ्लैसिड सेल की, फ्लैसिड सेल, ठीक है, फ्लैसिड सेल मतलब क्या, ऐसा सेल जो अंदर से पूरा खाली है, मान लो एक सेल है, ठीक है, अब इस सेल के अंदर यहां पे रखा हुआ है आपका सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, और यहां पे अंदर क्या प्रेजेंट है, वैक्यूल प्रेजेंट है, सही है। अब मैंने बाहर क्या डाल दिया, बाहर यहां पे इसको एक ऐसे कंटेनर में डाल दिया जिसमें वाटर भी है और बहुत सारा सॉल्यूट है। तो इसमें क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, जो भी वाटर इसके अंदर प्रेजेंट है वो बाहर मूव करने लगेगा, जो भी वाटर इसके अंदर प्रेजेंट है वो कहां मूव करने लगेगा, बाहर की तरफ मूव करने लगेगा, सही है। तो उस टाइम पे इसका जितना भी प्रेशर है, मतलब जो भी इसके अंदर वाटर था वो पूरा क्या हो गया, खत्म हो गया, पूरा वाटर क्या हो गया, इसके अंदर खत्म हो गया। तो इसका ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा, कुछ इस तरीके का ऐसे चिपक जाएगा, समझ रहे, कुछ इस तरीके का क्या हो जाएगा, ऐसे चिपक जाएगा। तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे वॉल प्रेशर कोई लग ही नहीं रहा, तो वॉल प्रेशर क्या हो जाएगा, जीरो, और टर्जिडिटी तो है नहीं, तो टर्गर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो उस टाइम पे आपका जो डिफ्यूजन
प्रेशर डेफिसिट है ना बच्चों, वो किसके इक्वल हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर के, ठीक है, ऑस्मोसिस के या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर के। क्लियर है, समझ में आ गया, आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जिसका भी डेफिशिएंट प्रेशर कम रहता है, ठीक है, अगर मान लो एक सेल है जिसका डीपीडी कम है और दूसरा सेल है जिसका डीपीडी ज्यादा है, ठीक है, तो हमेशा चीजें यहां से यहां फ्लो करेंगी, समझ लो। मतलब अगर मान लो मैंने एक फ्लैसिड सेल लिया, एक मैंने फ्लैसिड सेल लिया और एक मैंने टर्जिड सेल लिया, ठीक है, अब फ्लैसिड सेल के अंदर पानी है ही नहीं और टर्जिड सेल के अंदर पानी पूरा भरा हुआ है, ऐसा भरा हुआ है, यहां तक भरा हुआ है, सही है। फिर मैंने आपको बताया था कि टर्जिड सेल, ये दिस इज द टर्जिड सेल, ठीक है, और ये आपका क्या है, फ्लैसिड सेल, तो टर्जिड सेल के अंदर जो डीपीडी की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, जीरो, सही है, मैंने अभी आप लोगों को बताया। और इसके वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी डीपीडी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो ऑस्मोटिक प्रेशर से इक्वल होगी, ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर तो भैया जीरो थोड़ी हो सकता है, मान लो यहां पे 10 पास्कल हो गया, कुछ भी हो गया, तो हमेशा जो वाटर होगा वो लोअर डीपीडी से हायर डीपीडी की तरफ क्या होता है, मूव करेगा, ठीक है, हमेशा लोअर डीपीडी से हायर डीपीडी, क्योंकि इसके अंदर देखो पानी भरा हुआ है, इसके अंदर पानी है ही नहीं, तो हमेशा चीजें हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव करेंगी। क्लियर है, समझ में आ गया, आई होप आप लोग को चीजें समझ में आ गया होगा, नहीं समझा होगा तो एक बार कमेंट करके बताना, वापस मैं ट्राई करूंगा आप लोग को चीजें समझाने की, ठीक है, कोई डाउट होता है तो आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे आके मुझसे पूछ ही सकते हो, वहां पे आप लोग कनेक्ट हो ही मेरे साथ, सही है। तो आई होप आप लोगों को लेक्चर में मजा आया होगा, ठीक है, लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दो ताकि जब भी हम कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्लियर है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग।